हेलो फ्रेंड्स, एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ डिफरेंट लाने वाले हैं अपने चैनल पर। आप नीचे गेस करें हम क्या लाने वाले हैं। तो रिसेंटली पार्क विज वालों ने बॉस 2.0 सुजुकी मेरान का ऑनर रिव्यू किया था, जिसके अंदर बहुत फनी उन्होंने ऑनर रिव्यू किया है, तो उसके ऊपर हमने रिएक्शन देने हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो ये जनाब लाहौर के एरिया दिखाने बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं कि हाँ हाँ रिएक्शन जी, क्या, कैसा रिव्यू है वालेकुम उन्होंने। रिव्यू सलाम। दिल्ली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, दिल्ले नाम गाड़ी है नहीं ली इसका। है? कौन सी गाड़ी का? मेहरान का वो तो कर लिया यार, दोबारा करते हैं। क्यों? उसके अंदर ना मैंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसके इंजन के अंदर, और सारी गाड़ी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार करा ली है। चलो उसका जाके चेक रिव्यू करते हैं फिर। आ जाए। उसके कुछ फीचर्स तो बहुत ही आउट क्लास है, मतलब मेरा तो माइंड ब्लोन हो गया उनको देख के। जैसे कि जैसे कि सबसे पहले सेफ्टी फीचर उसका बड़ा ज़बरदस्त है, नॉर्थ चलेंगे गाड़ियों में आ रहे इमोबिलाइजर। हाँ जी, उसके अंदर आ रहे एंटी थेफ्ट। कब से? 2005 से, जब पहले से आती थी, जब से मेरे पास। सीरियसली ये चाबी है, आप उसे खोल के ट्राई करता हूँ। चले आ जाए। ये तो वाकई नहीं खुल रही, इसी की चाबी है। ये देखें फरहान साहब, ये इसी की चाबी है। ये बेसिकली सिर्फ ऑनर के हाथ से खुलती है। इमोबिलाइजर की ये देखो, कमाल यार। अब इसके अंदर ये बेसिकली चाबी का भी कमाल नहीं है, ये गाड़ी का एक सिस्टम है स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके अंदर ये है कि इसको कहते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन लॉक। इसके अंदर क्या करती है गाड़ी, आपको जो है ना कंपनी कहती है कि 2 साल के अंदर गाड़ी अपने ऑनर को पहचान लेती है, और 2 साल के बाद ना आप इसी चाबी से जो है ना गाड़ी को खोलेंगे, और ऑनर के अलावा किसी से भी नहीं खोलेंगे 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, क्योंकि वो थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो जाती है ना लॉक वगैरह। और एक और चीज़ ये है कि इसी का सेम केस ये है कि जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट भी आपसे नहीं होगी, जो यूज़र होगा उसको पता होगा। हाँ यार, ऐसे इमोबिलाइजर की हमारे क्रोला सेवियर के लिए लाजमी होने एंटी चाहिए। थेफ्ट फीचर है ये बेसिकली। आए चले, मैं आपको गाड़ी का फ्रंट दिखाता हूँ। अच्छा भाई, एक बात आपने मुझे बताई, मेरान ही इसके है। सबसे ये कौन सा मॉडल लग रहा है आपको? ये फेसलिफ्ट 2005 बताया आपने, यार, ये मुझे इसके फेसलिफ्ट लग तो रहा है। शेप भी हाँ, तब्दील नहीं देखिए हुई। बेसिकली ये जो गाड़ी आई थी ना, ये आई थी 2005 का मेरे पास मॉडल, लेकिन ये 2012 लग रही है आपको। आपको भी पता नहीं लगा होगा, नज़रों का धोखा भी नहीं लगा आपको। आजकल फेसलिफ्ट टाइम में बड़े ज़्यादा लैंड क्रूजर प्राडो वगैरह के वो पकड़े जाते हैं, यहाँ से किसी यार को ये काट भी काट के पकड़े किसी को जाते किसी हैं को काट सर। दिया। ये देखें आप, बिल्कुल जेन्युइन, सुजुकी ने भी यही करके दिया था, और ये बड़े कम लोग कर रहे हैं। ये मैंने खुद किया था 2015 के अंदर। कोई लंबा क्या क्या प्रोसीजर करना नहीं है? ये होता। बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ये आपने एकदम से आगे बोनट खोलना है, अरे ये और ये दो नट निकालने हैं, और क्या करना है? बस फेस लिफ्ट। कंपनी ने भी यही किया बिल्कुल था, सही बात सुजुकी ने भी है। यही किया था। वो करे तो ठीक है, हम करें तो गलत है। कितने पैसे लगते हैं इसमें? डेढ़ देखो, सौ ये रुपए पूरी अमाउंट लग गई थी 150 रुपये 2015 में। तो ये दो आपने अपग्रेडेशन कराई हैं ये इसके बॉडी ऊपर की अभी हैं, पर। ये बॉडी की हैं, अभी अंदर की चीज़ें आपको बताएंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त है। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो बाकी अब मैं अंदर के फीचर वगैरह बताता हूँ, मैं खाते निकलते हैं रोड पे, फिर आपको मैं बताऊँ। स्टार्ट अंदर से मुझे वैसे सेम ही लग रही है। अंदर से तो ऐसा जब भी डिफरेंसेस नहीं आए हुए, वो बस जो नया इन्होंने लॉन्च किया उसके यहाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए हैं, ये वाले तो सेम ही है वैसे। अच्छा फ्रांस, सीट बेल्ट बांध लिया जनाब, शुक्र है सीट बेल्ट अवेलेबल है इसमें। अब इसकी सीट बेल्ट के अंदर एक और फीचर हो गया है, पहले ये खुलती नहीं थी, ये बंद नहीं होती। हाँ, बंद हो जाती है तो यहाँ से भी नहीं निकलती, यहाँ से तो ऊपर जाती नहीं है, और कभी कभी यहाँ से निकलती भी नहीं है। वो एक्स्ट्रा सेव करती है, कहते हैं ना चलाओ आज के दिन, ना उसे जिस दिन लग रहा होता है ना कि कोई मसले है तो बड़ी। यार गर्मी है यार, एसी चलाओ ना। बहुत है ज़्यादा जाएंगे, सर्दी लग रही है। दरवाजों से एसी आता है। इसके दरवाजों में बताएं फिर यार, उससे मतलब लंच भी करना है, पर रिव्यू भी करना है। ओके ओके जी, ठीक है। तो जी देखें जी, सबसे पहले तो इसके अंदर मुझे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी है ना, वो ये थी, ये हाइब्रिड मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया है ना, वो बहुत अच्छा था। मेरान हाइब्रिड कब हाँ। लॉन्च हुई? आपने पहली हाइब्रिड गाड़ी कौन सी देखी थी पाकिस्तान में? प्रियस। नहीं, प्रियस तो देखें 2009-10 में आई है, असल जो हाइब्रिड थी ना वो मेहरान लॉन्च हो गई थी मेरे ख्याल से। लोगों ने तो 90s को भी कन्वर्ट करवा लिया ओ बेसिकली, मतलब हो 2005 के हाइब्रिड। अंदर तो ये कंपनी फिटेड हाइब्रिड मॉडल आते थे इसके। बैटरी थी एक्स्ट्रा लगी? नहीं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो टेक्नोलॉजीज को यूज करे, है ना?
इलेक्ट्रिक और पेट्रोल को? नहीं नहीं, वो तो आपने अपना बनाया हुआ ना हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड मतलब दो को मिक्स होता है। तो इसमें ना हाइब्रिड एक माशाल्लाह से किट मिलती थी जिन दिनों याद है, 25,000 रुपए की हाइब्रिड किट। और जैसे ही आप हाइब्रिड मॉडल फिट करवाएंगे ना किट अपनी गाड़ी में, तो दो चीजें बिल्ट इन आ जाती हैं आपको, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। वो ये होता है कि इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। इको मोड ये, ठीक है, आपने इस बटन को इस तरफ करना है, ये इको पे चलेगी गाड़ी, जरा पिकशिक कम लेगी और स्लो चलेगी। आपने इसको जैसे ही इस तरफ करना है ना, ये स्पोर्ट्स मोड के, नहीं स्पोर्ट्स कहते हैं, पेट्रोल नहीं होता, स्पोर्ट्स मोड पे करेंगे आपकी गाड़ी एकदम से यूं करके आपको ऐसा मज़े देगी ना, आपका मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में। अच्छा, मुझे याद है कि इस वक्त मैं चला रहा हूँ इसे स्पोर्ट्स मोड में, तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा 0 to 100 ना चेक कर लें गाड़ी का। भाई रहने दो, मुझे उतार के कर लेना, खुल जाएगी। नहीं नहीं, खुलने का कुछ भी नहीं होता, खुलने से याद आया इसके कल जो है 0 to 100 जनाब चेक करने वाले हैं थोड़ी देर तक। अगले टायर दोनों खुल गए थे, मैं ऑफिस ही आ रहा था कल। क्यों, कैसे? कुछ भी नहीं, वो इसके गोटे गिट्टे रह गए थे आपके। जनाब 0 to 100 शुरू। यार मुझे भी नींद आ रही है इसका 0 to 100 देखते हुए। बहुत कमाल है यार, 100 मार रही है ये। रिट्रेक्टेबल मिरर्स लगे हैं इसमें, मतलब है हवा से बंद हो जाती है, तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। तो मैंने अब इसके लिए ये कर लिया है कि जब भी कभी गाड़ी पार्क करनी हो तो मैं पहले एक राउंड लगा के आता हूँ, तो एक लीटर पेट्रोल जाया करके 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, 80 पे बंद हो जाते हैं, शीशे पर खड़ा हो जाता है। वो मैनुअल चीज का मज़ा नहीं है ना, ऐसे मज़ा आता है आपको चलाने का। और जिले इसमें क्या फीचर्स हैं जो आप? मैं ये अक्सर देख रहा था लोगों को, बूट स्पेस का बड़ा मसला होता है, मुझे समझ नहीं आती, सारे कहते रहते हैं बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है। तो आपने कोई डिग्गी लगवाई है? नहीं नहीं, डिग्गी नहीं लगवाई हुई, मैं हमेशा मोस्टली ना जूते उतार के गाड़ी चलाता हूं, तो ये देखें बस सारी स्पेस आ गई है, ये बूट बहुत थोड़ी स्पेस, दोनों में काफी स्पेस है। सेफ्टी के लिए कोई आपने देखा है? एक मेरान में सेफ्टी नहीं होती? हां नहीं नहीं, इस वाले में अब मॉडिफिकेशन आ गई है, ये जो है ना ये जगह पे ये क्या है सेफ्टी? और कुछ इंशाल्लाह गाड़ी चेंज करने का थोड़े दिनों तक प्लान है, मतलब महीनों तक। इतनी जबरदस्त गाड़ी चेंज कर रहा है वो मेहरान वालों, आपको पता है डायलॉग होता है उनका कि हां चेंज करने लगे हैं बस वैसे ही ले लिए। तो पैसे काफी बच जाते हैं मुझे इस गाड़ी की वजह से। वो कैसे? मोस्टली होता है कि सिग्नल्स के ऊपर ना फकीर जो होते हैं वो आपको बड़े अच्छे से इग्नोर मार के ना यूं आते हैं, यूं आके दूसरी गाड़ी पे चले जाते हैं, और वाइपर वाले भी मोस्टली वाइपर मार के ना आगे से ऐसे कर देते हैं खुश रहो, और दुआएं बड़ी दे देते हैं लोग, माशाल्लाह प्यार बड़ा मिलता है। ये थोड़ी सी बात ठीक कर रहे हैं, देते हैं जितने भी फकीर होते हैं, अल्लाह तुझे बड़ी गाड़ी दे। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसको ट्रैवल करने में ना इस वजह से। चलो मॉडिफिकेशंस तो नहीं है लेकिन जो भी है तो रिव्यू शुरू करते हैं। चलो ठीक है, लेट हो रहे हैं, बहुत शानदार रिव्यू इन्होंने किया है। एक नई एपिसोड के साथ आपके इस बंदे हाजिर हैं बिल्ला बिल्ला दोबारा से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी मशहूर रिव्यू रह चुका है। तो अगर आपने ये रिव्यू इसका पिछला वाला तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। चलें जी, बहुत खूब बना इन्होंने ऑन द रिव्यू। ये कौन सा मॉडल ईयर है आप बताएंगे? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे नॉर्मली कंटेंट से। ये रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई है बॉस 2.0। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने कोई ख़ास फेस्टी फीचर्स और कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बनाए इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, और रिट्रेक्टेबल मिरर्स हैं, और फेस शिफ्ट भी हुई हुई है, बहुत ही फनी अंदाज में इन्होंने बनाए हैं ऑन द रिव्यू। तो मैं वीडियो बनाने नहीं सका क्योंकि मेरे जो मदरबोर्ड था वो जल गया था, तो आई एम सॉरी कि मैं कंटेंट नहीं ला सका। तो अब ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आया करूँगा। दिस इज़ टेक फॉरवर्ड साइनिंग ऑफ। अगर यार आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के आइकन को दबा दो।